मेरे वरिष्ठ सहयोगी गण, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, प्रावधिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, राज्य मंत्री राजस्व विभाग श्री अनुप प्रधान वाल्मीकि जी, अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री संजय मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव प्रावधिक शिक्षा श्रीमती कल्पना अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक श्री देवेश चतुर्वेदी जी, विभाग के हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और नौ चयनित प्रदेश के हमारे युवा साथियों, उनके अभिभावकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक बार फिर से हम लोग यहां पर प्रदेश के युवाओं को अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र वितरण के साथ यहां उपस्थित हुए हैं। सभी चयनित अभ्यर्थियों को मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और इस अवसर पर नियुक्ति पत्र वितरित होने के लिए आपके लिए जो एक आनंददायी क्षण आया है, इसके लिए आपके परिवार के सदस्यों को, आपके अभिभावकों को भी मैं हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर राजस्व परिषद के 66, प्रावधिक शिक्षा के 204 और लोक निर्माण विभाग के 130 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रावधिक शिक्षा में कार्यशाला अनुदेशक और लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई है। आपने देखा होगा पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर ये हम 17वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं, जिसमें अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को हमने सफलतापूर्वक चयन की प्रक्रिया को संपन्न करवा करके नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। जो नियुक्ति पत्र वितरित हुए हैं, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से जिन अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक चयन हुआ है, उन सबको अब तक हमने नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। और मात्र 1.5 वर्ष की इस छोटी सी कार्यावधि में 55,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर अब तक लगभग 6 लाख शासकीय नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दी हैं और इन 6 लाख नियुक्तियों में कहीं भी नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर पाया। और आज के दिन पर किसी भी विभाग की नियुक्ति की कोई भी प्रक्रिया न्यायालय में लंबित भी नहीं है या न्यायालय के द्वारा उसको स्टे भी नहीं किया गया है, क्योंकि शासन की मंशा पर आज के दिन पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। चयन आयोगों की मंशा पर, उनकी कार्य पद्धति पर आज के दिन पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। और चयन की जिस प्रक्रिया को प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, हमारे शिक्षा आयोगों ने या विभिन्न विभागों के स्तर पर भी चयन की जो प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, उनमें पूरी पारदर्शिता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर
प्रदेश के युवाओं को जब प्रदेश में ही उसकी प्रतिभा का सम्मान होने लगा है, तो आज उसका परिणाम है कि प्रदेश भी द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक क्षेत्र में आज प्रदेश विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बना है और देश के अंदर बहुत सारी नजीरों को प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस समाज के लिए वास्तव में एक प्रेरणा भी है, जो समाज अपनी प्रतिभा को सम्मानित करता है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसके विकास की प्रक्रिया को कोई बाधित नहीं कर सकता। वह विकास की नित नई सोपान को प्राप्त होगा ही, और उत्तर प्रदेश आज इसीलिए विकास की इन प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ता हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। नहीं तो 2017 के पहले क्या स्थितियां थी? 2017 के पहले युवाओं के मन में एक निराशा थी, एक हताशा थी। उत्तर प्रदेश के अंदर चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था और उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे तो उनके सामने पहचान का संकट होता था। पहचान का संकट, उत्तर प्रदेश का युवा जो दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या कहीं भी रहता था, वह अपनी पहचान को छुपाता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम लेते तो लोग वहां पे चयन की बात तो दूर, कोई किराए पे कमरा नहीं देगा, ये स्थितियां थी। लेकिन आज पहचान के संकट से भी उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ने आपको मुक्त किया है। अब आपके सामने देश के अंदर कहीं भी जाएंगे, पलक पावड़े बिछा करके लोग आपके सम्मान के लिए तैयार हैं। जब सरकार की कार्य पद्धति में कोई खोट नहीं होता, सरकार पूरी ईमानदारी के साथ जब कार्य करती है, तो वह कार्य का लाभ पूरे प्रदेशवासी किस रूप में लेते हैं, आज पहचान का संकट भी समाप्त हुआ और ज्यादातर युवाओं को अपने ही राज्य में कार्य भी प्राप्त हो रहा है। लगातार प्रदेश ने रोजगार के सृजन की दिशा में नए कदम उठाए हैं। नए रोजगार के सृजन हुए, सरकारी नियुक्तियां तो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। अभी हमारी दो नियुक्ति की प्रक्रिया अभी 18 और 20 को फिर से होने जा रही है, फिर यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित होंगे। आज के दिन पर हमारे सभी जितने भी आयोग और बोर्ड हैं जो नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हैं, तेजी के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके द्वारा भी तमाम रिफॉर्म किए गए जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए उनके अनुकूल भी हैं और उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए भी एक मंच प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे हमने प्रदेश के अंदर कुछ व्यवस्थाएं दी, ग्रुप थर्ड और ग्रुप टू की नॉन गस्टेड जो पद हैं, इंटरव्यू की प्रथा को वहां से समाप्त किया गया, क्योंकि बहुत बार होता था कि उसी में लोग तमाम प्रकार की भेदभाव करते थे, उसी में फिर तमाम प्रकार की शिकायतें आती थी। और यही नहीं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की व्यवस्था भी की गई। कितने नौजवानों ने भाग लिया, 17 लाख एक बार उसमें भाग लिए, 25 लाख दूसरी बार लिए। और ये अनिवार्य कर दिया गया कि इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं सफल अभ्यर्थियों में से अब चयन की प्रक्रिया से कैसे लोग गुजरेंगे, जो भी चयन होगा इन्हीं लोगों में से होना है। परिणाम है कि अब जो भी चयन होगा उसमें धांधली की गुंजाइश एकदम जीरो हो जाएगी और योग्यतम लोग हमें प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। अभी आपने देखा होगा कि यह एक तो सरकारी व्यवस्था है, दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में भी उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे ही नहीं उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी बस गई। जब यहां पोटेंशियल रहा होगा तभी तो इतनी बड़ी आबादी यहां बसी होगी। उसके लिए कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं? मात्र कृषि तो उसका आधार नहीं रहा होगा, खेती एक महत्वपूर्ण साधन हमारे पास है, जल संसाधन हमारे पास है,
लेकिन इसके साथ ही एमएसएमई का देश का सबसे बड़ा बीस भी तो हमारे पास है, और एमएसएमई के जो लगभग 90 लाख से अधिक यूनिट हमारे पास हैं, ये भी रोजगार सृजन के माध्यम बने, इसमें भी तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को सरल करने का कार्य हुआ, इसका लाभ हमें मिला। प्रदेश का एक्सपोर्ट तो बढ़ा ही, लेकिन साथ साथ आपने इस बात को भी देखा होगा कि कोविड कालखंड में जब 40 लाख कामगार और श्रमिक विभिन्न राज्यों को छोड़कर के वापस प्रदेश में आए, तो उनके हाथों को कार्य देने के लिए हम लोगों ने एमएसएमई के अपने इसी बेस का उपयोग किया था। और 40 उस समय जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उससे मैं कहता था कि भाई देखो, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग आपके यहां रहते हैं, इनकी व्यवस्था करो, इनको सुविधा दो। वे कहते थे कोरोना में हम कैसे व्यवस्था करें। हमने उत्तर प्रदेश की अपनी टीम को कहा, मंत्रिमंडल के सहयोगियों से, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करके व्यवस्था की कि ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश में आएगा हम उनकी व्यवस्था करेंगे। हमने उनको सुविधा दी, और तब मैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहता था कि आज आप हमारी प्रतिभा को सम्मान नहीं दे रहे हैं, एक दिन आप देखना, आपको कष्ट होगा इसका, क्योंकि हम फिर इनको वापस नहीं भेजेंगे, ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगदान देंगे, उत्तर प्रदेश इनसे लाभान्वित होगा, लेकिन आपको बाद में उत्तर प्रदेश के युवाओं की तरफ देखना पड़ेगा। आज यही होता है। बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री मुझे अक्सर कहते हैं कि हमारे पास इतने लोगों की कमी है, आ जाते हैं, तो मैं कहता हूं अब हमारे लोग हमारे यहां काम कर रहे हैं, उनको यही काम करने दो। एमएसएमई यूनिट को इन्होंने एक नई ऊंचाई दी, आज यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी यूपी की प्रतिभा को यूपी के अंदर ही उस स्केल को स्किल के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। परिणाम सामने है, उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने एक्सपोर्ट को दुगने से अधिक बढ़ा दिया। लोग अब उत्तर प्रदेश को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि हां, उत्तर प्रदेश के अंदर क्षमता है, उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है। आज यहां पे किसी भी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के लिए, जातिवाद के लिए या किसी भी प्रकार के अन्यवाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थितियों में जो व्यापक बदलाव आए हैं, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं। याद करिए, 36 लाख करोड़ ये सामान्य राशि नहीं, ये बहुत बड़ी राशि है। और उत्तर प्रदेश में जब ये व्यवस्थित रूप से इसका निवेश होगा, 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना लेकर के आएगा। 1 करोड़ युवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश का जो युवा अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह जाता था, आज हम लोगों ने औद्योगिक विकास विभाग से इस बारे में कहा है, भाई हमारा प्रयास होना चाहिए, हम उद्योग से कहें, हम उनको फैसिलिटेट करें, हम उनको स्टैंप ड्यूटी में छूट देते हैं, हम उनको स्पेशल इंसेंटिव भी देते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हम बना रहे हैं, हमने सिंगल विंडो की व्यवस्था उनके लिए की है, सब कुछ हम उनको दे रहे हैं। लेकिन हम उनको ये भी कहें कि इतनी सुविधा जब हम दे रहे हैं, तो इंडस्ट्री भी एक काम करे, एक हमारे इंस्टीट्यूशन को अपने अपने साथ जोड़े, जिससे हमारा युवा अपने डिग्री लेते समय, अपना डिप्लोमा का पाठ्यक्रम प्राप्त करते समय ही वह एक प्रकार का उसका इंटर्नशिप का कोर्स भी उसके साथ जुड़ जाए, इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के साथ उसको ये भी मिल जाए। लेकिन साथ साथ अगर वो डिग्री लेता है, तो डिग्री लेने के बाद उसकी प्लेसमेंट की गारंटी भी वहां पर दी जानी चाहिए उसको, और उसके लिए एक कार्यक्रम नया आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इंडस्ट्री से भी कहेंगे कि भाई हम आपको इतनी सुविधाएं देंगे, आपको जमीन चाहिए ये भी बताइए, हम देंगे, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन साथ साथ आप ये बताइए आपके पास कितने, आपको मैन पावर कितना चाहिए, स्किल और अनस्किल मैन पावर कितना चाहिए, और हम फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं से, युवाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके पहले से उनको तैयार करें। इंडस्ट्री तैयार हुई
उसको वेट न करना पड़े, अगले दिन से इंडस्ट्री चालू हो जाए, जिससे उत्तर प्रदेश का युवा उसको चला करके और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा सकता है। हमारे पास प्रतिभा है और ये प्रतिभा आज किसी चीज के लिए मोहताज नहीं है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का युवा आज एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। तो